Hey guys, welcome back to my channel. This is Nikkita. I hope you all are doing good. So, आज का जो वीडियो बहुत ही ताबड़तोड़ वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप 10 रुपए में घर पे रोज वाटर कैसे बना सकते हो. जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ आपके लगेंगे 10 रुपए. अगर ये चीज़ आपके घर पे इजीली अवेलेबल है तो फिर 10 भी नहीं लगेंगे. आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए सिर्फ इंडियन रोजेज. यस, आपने सही सुना, सिर्फ इंडियन रोजेज. अगर आपके घर पे रोज़ प्लांट है तो आप वो रोज़ यूज़ कर सकते हो. मैंने ये 10 रुपए के इंडियन रोजेज जो हैं ये मैंने पूजा वाली शॉप से ख़रीदे थे. और मेक श्योर कि आपको ये कली भी बीच में मिल जाए क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है. इसके अंदर जो है इसके सीड्स होते हैं जिसके बहुत ही अच्छे फ़ायदे होते हैं आपके रोज़ वाटर के लिए. आपको जो है यहाँ पे बुके वाले रोजेज यूज़ नहीं करने, वो जो है इंग्लिश रोजेज होते हैं, वो कलर के लिए बहुत अच्छा होता है. और ये वाला जो रोज़ है इंडियन रोज़, वो आपके स्किन के लिए बहुत बढ़िया होता है. ये नेचुरल एसेंस होता है आपके किसी भी रोज़ वाटर का. मेक श्योर कि आप ये लीफ वीफ सब निकाल दें इस प्रोसेस में. और मैंने इसको एक बार ही पानी में वॉश कर लिया. आपको ज़्यादा वॉश नहीं करना, मैंने सिर्फ एक बार ही वॉश किया. मुझे 10 रुपए में ये अच्छा खासा बाउल भर के मुझे रोज़ पेटल मिल गए थे. अब यहाँ पे इतने रोज़ पेटल के लिए मैंने यहाँ पे लिए 2 से 2.5 ग्लास पानी. अगर आपका रोज़ पेटल्स आपके कम है तो आप पानी कम भी कर सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू. आपको करना क्या है, इस पानी को उबलने के लिए रख देना. कम से कम एक बॉइल आपको जो है इस पानी में लाना ही होगा. और तब तक आपको जो है रोज़ेस इसमें नहीं डालने क्योंकि हमें रोज़ जलाना नहीं है, हमें रोज़ का एसेंस चाहिए. मैंने यहाँ पानी ढक के रख दिया था गर्म होने के लिए, अच्छे से बॉयल हो गया था. और बॉयल होने के बाद ध्यान रखना कि आप थोड़ा केयरफुली ये काम करो क्योंकि गर्म पानी है. आई डोंट वांट एनीवन टू गेट हार्म. तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, गैस मैंने ऑफ़ कर दिया. मेक श्योर आपकी गैस ऑफ हो जब आप रोज़ पेटल्स डालो क्योंकि आपको रोज़ेस को जलाना नहीं है. तो यहाँ पे मैंने जो है ये रोज़ पेटल्स एक इस पतीले में डाल दिए क्योंकि मेरा पानी गर्म है. अब मैं इसको जो है ढक के रख दूँगी क्योंकि ढकने से क्या होगा, जो पानी की स्टीम है ये रोज़ेस जो है उसमें अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, उसका एसेंस जो है पानी में आ जाएगा, रोज़ेस का सारा एसेंस आ जाएगा. अगर मैं गैस ऑन रखूँगी तो ये जल जाएंगे, इसलिए मेरी गैस ऑफ है. यहाँ मैंने ढक के रख दिया 15 से 20 मिनट के लिए. 15-20 मिनट बाद आपको जो है इस तरीके से कुछ दिखेगा. आपके जो रोज़ पेटल्स हैं जो रेड कलर के थे, जो आप एक बाउल में देख सकते हो और आप पतीले में भी देख सकते हो, रोज़ेस में कितना डिफरेंस आ चुका है. ये आपके रोज़ेस जो है वाइट हो चुके हैं बिकॉज सारा एसेंस जो है इस पानी में आ गया है. और अब मैं जो है इसको एक स्ट्रेनर की हेल्प से एक ग्लास में सेपरेटली इसको निकाल लूँगी इस पानी को. एंड देन मैं उसके बाद इसको आगे किसी भी कंटेनर में स्टोर करूँगी. मेक श्योर जो आप स्ट्रेनर यूज़ कर रहे हो वो आपका DIY स्ट्रेनर ही हो, क्योंकि जो किचन वाले स्ट्रेनर्स होते हैं अगर आप वही अपने DIY के लिए यूज़ करोगे तो वो थोड़ा आपकी स्किन के लिए बेनिफिशियल नहीं है. तो ये स्ट्रेनर मेरा अलग से है DIY के लिए. मैंने यहाँ पे पानी अच्छे से स्टेन कर लिया है. और मैंने यहाँ पे ये लिया है वोडका की बॉटल. आपके घर में कोई भी बॉटल अवेलेबल है, आप वो बॉटल यूज़ कर सकते हो. मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है, इसके स्टिकर्स उतार दिए हैं बिकॉज़ आई रियली लाइक टू यूज़ सच काइंड ऑफ अ बॉटल, जो बहुत ही अच्छी लगती हैं. और इसके अंदर जो बचे हुए रोज़ पेटल्स हैं मैं वो डाल रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही सुंदर लगता है. उसके बाद इस बॉटल में आप अपना रोज़ वाटर देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा. सो मेक श्योर कि आपका रोज़ वाटर जो आप जब पोर करो बॉटल में, किसी भी ग्लास बॉटल में, वो ज़्यादा गर्म ना हो, थोड़ा सही टेम्परेचर पर हो. आप इसको किसी भी स्प्रे बॉटल में भी डाल सकते हो, आप इसको एज अ स्प्रे फेस मिस्ट भी यूज़ कर सकते हो. मेक श्योर कि आप इसको फ्रिज में ही रखो बिकॉज़ हमने इसमें कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया है. तो चांसेस होते हैं क्योंकि गर्मी बहुत है, चांसेस होते हैं कि ख़राब हो जाए, बट मेरा अभी तक कभी ख़राब नहीं हुआ. एंड दिस इज़ द बेस्ट 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 रोज़ वाटर यू कैन एवर गेट क्योंकि आपको पता है कि आपने क्या डाला है, कैसे डाला है और क्या क्या चीज़ें आपने यूज़ करी हैं. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है. अगर मैं यहाँ पे इंग्लिश रोज़ ऐड करती तो इसका कलर और रेड हो जाता, बट मुझे ये ऐसे सही लगता है. और ऐसे ही करके मैं दूसरी बॉटल भी भर लूँगी. अगर आपको किसी बड़े की हेल्प लेनी है तो आप वो भी ले सकते हो इसको पोर करने में. आई वुड सजेस्ट कि आप इसको किसी प्लास्टिक या किसी ग्लास की बॉटल में स्टोर करके आराम से रखो, कोई दिक्कत नहीं है. बहुत ईजीली आपका ये हर चीज़ में काम आने वाला है. तो ये मैं सेकंड बॉटल भी मैंने भर ली है. थोड़ा गिरा ऑब्वियसली यार, वो तो गिरेगा ना, ग्लास में से मैं डालूंगी तो. एंड आई एम वेरी बैड इन दैट. यहाँ पे मैंने अभी सारा पानी पतीली में से स्टेन नहीं किया था ग्लास में, तो मैंने बाद में इसको जो है फिल कर लिया था. एंड ट्रस्ट मी, इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही अमेजिंग है एंड लुक्स रियली वेरी ब्यूटिफुल, रियली वेरी ब्यूटिफुल. आप इसको फ्रिज में रखो, ठंडा ठंडा यूज़ करो. एंड एक और चीज़, आप जो ये रोज़ वाटर है ना, आप इसको मतलब एडेबल में भी यूज़ कर सकते हो, ड्रिंकिंग में भी यूज़ कर सकते हो. डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू वॉन्ट टू यूज़ इट. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. टिल देन आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय.